और डॉक्टर नित्या जो थे वो बहुत, उन्होंने क्या क्या शुरू से हमारे अंदर कितने, हम कौन से तत्वों से तैयार हो गए हैं, हमारे शरीर में कौन कौन से तत्व, इससे शुरू किया उन्होंने। और उसमें वो बोले कि आपका जो शरीर है वो अग्नि से ज्यादा बना है, और इसलिए आपको आपको ज्यादा से वायु है, वायु की वजह से आपका जो शरीर है वो वायु की वजह से आपको बहुत दर्द देता है, तो आप पहले आप वायु का बंदोबस्त करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वो आंखों का भी बताया उन्होंने, और मैंने सिर दर्द का भी बताया, और स्किन का बोले, आप जितने एज के हो उतने एज से आप, ऐसा लगता है कि आपकी स्किन बहुत कम सुरकुत है, ऐसे पड़ने लगे है, और आंखें तो आपकी ऐसे नम जैसी हो गई है, तो आपको ये करना चाहिए। बोले आप बहुत सिंसियर स्किन और सिंसियर है, वो ऐसे बोल रहे थे। वो आप जो बाल है वो बाल भी आपके जल्दी झड़ जाएंगे, आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके बाल भी झड़ जाएंगे, ऐसे बोले। तो मेरे मैंने सोचा ऐसा क्यों, तो वो बोले कि आपके शरीर में जो व्याधि है वो उसकी वजह से वैसा हो सकता है, लेकिन आप जब इसके ऊपर ही आप करेंगे उपाय तो बहुत अच्छा, आपको कुछ भी ऐसा होने होना ही नहीं है। मैंने जो सोचा ठीक है। जो उन्होंने बातें बताई कि ऐसा होता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सारी सही है क्या? मतलब हाँ ऐसा सही है, हाँ सही है, उन्होंने जो भी बात कही मेरे से वो बराबर निकली, क्योंकि जो जो दर्द मुझे जहां जहां हो रहा था उन्होंने बराबर बताया। मेरे सर सर में बहुत दर्द होता है, मेरे आंखों से ऐसे पानी निकलता है, और ऐसे स्किन ऐसे रूखी सी होती जा रही है, ऐसे मैंने कब से 4 महीने से मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या क्यों हो रहा है ऐसे। और उन्होंने बोला है कि आप ये कमर का बीच का दर्द है वो तो आपका बहुत वर्षों से है, तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं बोली कि मैं तो वो डॉक्टर ने बताया था कमर के दर्द का, लेकिन मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने नहीं गई मैं जमीन पर सोती हूँ, लेकिन दवाई नहीं ले ली मैंने तो वो बोले कि कुछ बात नहीं, आप ये करना, सुदर्शन क्रिया करना और ये दवाई लेना, आपका कोई दर्द आपके शरीर में नहीं रहेगा। आई होप आपको ये फीडबैक बहुत अच्छा लगा होगा, ये दूत नाड़ी की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी अगर दूत नाड़ी चेकअप कराना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, बड़ा आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो लिंक्स दिख रहे होंगे आपको। एक लिंक है रजिस्ट्रेशन लिंक, जहाँ पे आपको अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें डालनी है। 3-4 सेकेंड वेट करना है जब तक आपका फाइनल रिसिप्ट नहीं आ जाए, और आपका दूत नाड़ी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। इसका एक रिसिप्ट आपको मिलेगा लास्ट स्क्रीनशॉट में, और एक आपको मिलेगा ईमेल में। अब वो रिसिप्ट को क्या करना है, जो दूसरा लिंक है वो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दूसरा लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसमें जाके इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद, मतलब डालने के बाद, शुद्ध भाषा हिंदी में आपको उसमें अपना नाम लिखना है या पेशेंट का नाम लिखना है जो दिखवाना चाहते हैं, विथ एज एंड मोबाइल नंबर। वहाँ से हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं और 24 घंटे के अंदर आपको डॉक्टर का व्हाट्सएप आ जाता है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 24 घंटे के अंदर आपको डॉक्टर का व्हाट्सएप ज़रूर आता है, जिसमें वो टाइम और डेट बताते हैं कि इस तारीख को इस समय आपका दूत नाड़ी कंसल्टेशन फिक्स हुआ है। उस टाइम में वो आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं, आपका दूत नाड़ी कंसल्टेशन होता है। देखो, दूत नाड़ी कंसल्टेशन हो गया, लेकिन जब तक आप दवाई नहीं लोगे तब तक पूरा कंप्लीट कैसे होगा? तो आपको दवाई लेने के लिए श्री श्री तत्वा का जो लिंक है वो भी मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में डालता रहता हूँ कंटिन्यूस बेसिस पे। उसके थ्रू जाके आप दवाइयाँ ज़रूर लें अगर आप पूरी तरह क्योर होना चाहते हैं। और श्री श्री तत्वा से जब आप शॉप कर रहे हैं दवाइयाँ, तो आप सत्वा टॉक्स कोड यूज़ कीजिए, उससे हमें एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है और आपको डिस्काउंट मिल जाता है बहुत अच्छा उन मेडिसिंस पे। तो आई होप आप अपना दूध नाड़ी चेकअप कराएंगे और अपना फीडबैक जो भी है हमें वापस बताएंगे आके। एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे अभिषेक भैया दूध नाड़ी है क्या, थोड़ा बताओ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने दूध नाड़ी को एक्सप्लेन किया है। कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं इंटरनेट पे जिसमें दूध नाड़ी के बारे में डेप्थ में बताया है। सत्वा टॉक्स चैनल पे ही वो वीडियोस है, आप जाके देखिए, एंजॉय कीजिए। फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच।